गुणा की दूसरी विधि है एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से। सूत्र का अर्थ है पहले से एक कम के द्वारा। इस सूत्र का उपयोग तब करते हैं जब एक संख्या अंक 9 की बनी हो। इसमें तीन स्थितियां हैं, जब गुणक और गुण्य में, पहली स्थिति अंकों की संख्या बराबर हो, दूसरी स्थिति गुणक में अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से अधिक हो, अर्थात 9 अधिक हो, तीसरी स्थिति गुणक में अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से कम हो, अर्थात 9 कम हो। उदाहरण 10, त्रेसठ और 99 का गुणनफल सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण की मदद से प्राप्त करना है। इस सूत्र की मदद से हल प्राप्त करने में उत्तर के दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। और इसमें हम देखते हैं कि चूंकि जो दो संख्याएं दी गई हैं जिनका गुणा करना है, दोनों में अंकों की संख्या बराबर है, तो जब इसका गुणनफल ज्ञात किया जाता है एक न्यूनेन की मदद से, तो बायां पक्ष 63 का एक न्यूनेन होगा। एक न्यूनेन का अर्थ 63 माइनस एक करने पर 62 मिला, तो 62 बायां पक्ष हुआ उत्तर का। और दायां पक्ष दूसरी संख्या अर्थात 99 में से 62 को घटाने पर जो संख्या मिली 37, वह उत्तर का दायां पक्ष हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दिए गए दो संख्याओं का गुणनफल 6237 होता है।